हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू द किचन का जायका। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडे और प्याज की सब्जी। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे 4 से 5 मीडियम साइज के जो प्याज है उसको अच्छे से चॉप करके रख लिया है। और मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3 अंडे। आप चाहे तो क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं अपने अंडों के। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पे ले लिया है इस तरह का पैन, आप चाहे तो कढ़ाई भी ले सकते हैं। मैं गैस यहाँ पे ऑन कर लूंगी। इसमें मैं डालूंगी अब तेल। तेल हम आधी कटोरी लगभग ले रहे हैं। हम इसमें डालेंगे एक दालचीनी और 2 लौंग। मैं इसमें डालूंगी मेरे चॉप किए हुए प्याज। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज कमेंट भी करें। तो इस तरह से हम प्याज को शैलो फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनता है ये अंडे प्याज की सब्जी। इसको आप गरम गरम चावल के साथ, पराठा, रोटी जिसके साथ भी खाएं, बहुत टेस्टी होता है ये। आप जरूर अपने घर पर ट्राई करें और मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें कि आपको ये सब्जी कैसी लगी। तो इसको हम प्याज को इसी तरह से शैलो फ्राई करेंगे, ज्यादा ब्राउन नहीं करेंगे। बहुत जल्दी बनने वाली सब्जी है और बहुत टेस्टी भी। अगर आपके पास टाइम नहीं है कुछ भी अलग बनाने का, कुछ डिफरेंट बनाने का, तो आप ये अंडे का जो सब्जी है, अंडे प्याज की सब्जी, इसको बना लें। बहुत जल्दी बन जाती है ये। फ्रेंड्स, मैं कोशिश करती हूँ कि आपको नॉर्मल जो हमारे घर पर मसाले मिल जाते हैं आसानी से, उन मसालों के साथ मैं आपको दिखा सकूं कि टेस्टी फूड कैसे बनाते हैं। ज्यादा मैं आपको मसालों के साथ कंफ्यूज नहीं करना चाहती। तो प्याज यहाँ पे शैलो फ्राई हो गया है, हमको बस इतना ही फ्राई करना है और ज्यादा हम लाल नहीं करेंगे इसको। तो चलिए गैस को यहाँ पे जो फ्लेम को है वो स्लो कर लीजिए। तो फ्लेम को हमने स्लो कर लिया है, अब हम डालते हैं इसमें मसाले। तो हम डालेंगे इसमें पहले छोटा चम्मच हम डाल रहे हैं अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हम थोड़ा सा मिला देंगे। अब हम इसमें डाल रहे हैं छोटा चम्मच, आधा चम्मच हम डाल रहे हैं हल्दी। एक चम्मच में डाल रही हूँ उसमें नमक, नमक टेस्ट के हिसाब से डालें। आधा चम्मच में डाल रही हूँ धनिया पाउडर। एक चम्मच में डालूंगी इसमें मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा और मिर्च आप अपने हिसाब से डाल लें। अगर आप ज्यादा खाते हैं तो ज्यादा डाल लें, कम खाते हैं तो कम डाल लें। मैं यहाँ पे 4 से 5 इस तरह की हरी मिर्च भी ले रही हूँ तो इसकी भी स्पाइसेस उसमें रहेगी। चलिए अब हम इसको मिला लेते हैं इस तरह से। यहाँ पे तेल थोड़ा सा कम दिख रहा है क्योंकि हमने मसाले डाले हैं। चलिए थोड़ा सा हम यहाँ पे तेल ऐड कर लेंगे।
डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी धनिया की पत्ती, फिर लास्ट में हम गार्निश के लिए भी थोड़ा रखेंगे, क्योंकि ये सब्जी में पकेगी इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा डाल रही हूँ। इसी से मैं थोड़ा सा धनिया की पत्ती डाल रही हूँ। अब मैं यहाँ पे डालूंगी थोड़ा सा पानी, पानी हम आधा ग्लास से भी कम डालेंगे, क्योंकि सिर्फ उतना ही पानी डालेंगे जितने में अंडा अच्छे से पक जाए। तो आपको फ्लेम आपको स्लो पर ही रख के पकाना है, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे, वरना जो पानी है वो सूख जाएगा और अंडे पकेंगे नहीं। तो इस तरह से हमने बस थोड़ा सा पानी डालना है, तो आधा ग्लास हम इसमें डाल रहे हैं पानी। अब इसको हम यूं मिलाएंगे, अब बस एक बॉईल आने देंगे इसमें। अब इसको ढकेंगे हम और इसको एक बॉईल बस आने देंगे, उसके बाद हम डालेंगे अंडे। तो चलिए ओपन करके देखते हैं, एक बॉईल आ चुका है, इसमें हम डालेंगे अंडे। अंडों को इस तरह से हम खड़ा नहीं डाल रहे, इसको हम फोड़ेंगे, इस तरह से फोड़ कर हम डालेंगे। हमने यहाँ पे तीन अंडे इस तरह से डाल दिए हैं। अब हम इसको बंद करके स्लो पर पे ही पकाएंगे। 5 मिनट हम एक तरफ बनाएंगे, फिर अंडे को हम करेंगे टर्न, उसके बाद 5 मिनट और उसके बाद बनाएंगे। बस पूरा प्रोसेस यहां से स्लो पर ही पकेगा। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए ओपन करके देखते हैं। तो देख सकते हैं अंडे ऊपर की तरफ अच्छे से बन गए हैं। अब हम यहाँ पे अंडे को इस तरह से टर्न करेंगे, यानी कि एक तरफ बन गया है ना, तो हम दूसरी तरफ इसको टर्न करके 5 मिनट इसी तरह से स्लो पे रखेंगे। तो हम इस तरह से अंडे को दूसरी तरफ भी पकाएंगे। तो इसी तरह हम स्लो पे 5 मिनट के लिए दूसरी तरफ भी पकाएंगे। यहाँ पे आप टेस्ट कर लें नमक मिर्च, तो अब इसको मैं 5 मिनट और स्लो पे बनाऊंगी ताकि दूसरी तरफ जो अंडा है वो अच्छे से पक जाए। तो चलिए 5 मिनट हो चुके हैं, ओपन करके देखते हैं, जो तेल है वो अच्छे से नजर आ रहा है, यानी कि जो अंडे और प्याज है वो अच्छे से पक गया है, पानी भी सूख गया है। इसमें हमको बिल्कुल पानी नहीं चाहिए था, इसलिए सिर्फ हमने अंडे पकाने के लिए ही आधा ग्लास हमने पानी डाला था। तो फ्रेंड्स, अंडे प्याज की सब्जी हो गई है तैयार। सो गरम गरम चावल के साथ, रोटी के साथ, पराठे के साथ एंजॉय करें। लास्टली हम डालेंगे इसमें धनिया की पत्ती, तो खाएं और खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।